पूरा कारोबार लिखा है। प्रेजेंट यू माय कारोबार। ओ भाई ये तो बढ़िया लिखा है। बहुत दिनों बाद काम कर रहा था क्योंकि आज फाइनली हम टिके हैं। अब दो दिन बैंगलोर रहेंगे, दाढ़ी दूड़ी करा के भूख लग रहा हूँ मैं। शाम को मीटअप है, थोड़ा सा जिम कर लें कि मैं इंस्टेंटली पतला हो जाऊँ। दो मादा चप्पल में कर रहा हूँ भाई, जूते भी अंदर रह गए मेरे। गाइस बैंगलोर में क्या बढ़िया वेदर हो रहा है, मजा आ गया। मतलब चिल, एकदम चिल। भाभी के स्टैंड दिखा ना, शीशे खोलना नीचे। हाँ सिटी सेंटर में हम भाई, सिटी के एकदम बीच में। नागरंजन कोई चिकन बोला था उसने, ये देखो लेक आ गया हमारे रूम से, दिख रहा था बढ़िया लेक। ड्रोन कहाँ उड़ाएगा बारिश में। कौन सा माटिको का कैफे? माटिको अच्छा है। और एक मैंने क्या बोला था आपको, एक और कैफे मैं उससे पूछता हूँ यार, नील से पूछता हूँ, उसका मैसेज आया था मुझे। तो गाइस देखो क्या बढ़िया चल रहा है बारिश। हम जा रहे हैं सबसे पहला कैफे, जा रहे हैं अटैक करने हम गोडी बाबा। क्या कैफे का नाम? ट्रू ब्रू। वहाँ पे सच में ब्रू करते हैं वो, पप्पू नहीं बनाते हैं कॉफी का। नो ब्रोकरेज पैकर्स एंड मूवर्स, हट जा दो मादा। तो गाइस थोड़ा सा हम प्लान शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ से कौन गाड़ी चला के फाप मेरा हो गया। वैसे मेरे को डैडी की याद आ रही है, मुझे वापस जाना है। वैसे तो यहाँ से फ्लैट बैट में बॉम्बे भेज दूँगा और मैं फ्लाइट करा के कल चला जाऊँ। सूखी लड़की आज रात को जा रही है, हम शायद कल चले जाएंगे। नहीं तो हमें हैदराबाद जाना पड़ता है एक दिन, फिर वहाँ से बॉम्बे, यहाँ से बॉम्बे है सीधा 18 घंटे, वहाँ से बढ़ेगा हमें 21 घंटे, तो दो में हम डिवाइड कर सकते हैं 11 घंटे। बढ़िया चला के गया भाई वो। राइट जाना यहाँ से उस जगह, बढ़िया कॉफ़ी आ चुकी है हमारे। ठंडी कॉफी थोड़ा इधर कर अभी मारे दस साला। बस अब सीधे लेके जा, सीधे पता नहीं कहाँ जा रहा है अब एक साले। गाड़ी कटा के गाड़ी का निकालेंगे। तो ये श्री हर्ष है, ये लेके जा रहा है हमें। हमने मीटअप की लोकेशन 2-3 बार चेंज कर दिया था क्योंकि मीटअप में ना इतना स्ट्रेस हो जाता है मीटअप करने में कि भाई कोई कहीं दूर से ना आ रहा हो, किसी का कुछ ना हो जाए, वो ना हो जाए, लोग गाली ना पके, ये ना हो, वो ना हो, बड़ा कुछ होता है। अब कहाँ जाएगा, ले फंस गया। अब तो वेट करेगा इनकी कि पहले ये जाए फिर जाएगा। डोमिनोज के पीछे लग गए मैम, और कुछ ठुल्ला आ गया फिर, हाय हाय कीचड़ में डालेगा। राइट से लियो मेरे की पेड़ेगी, ओ पेड़ेगी। स्कूटी पैप डिग्गी में बम लेके आ सकता है, बम चिक बम बम। पार्किंग है भाई। 200 में तो स्कूटी आ जाती है एक दिन के रेंट में। एक्सक्यूज मी, वो ये दाल चावल क्यों बेच रहा पार्किंग में? स्कूटी पैप स्कूटी वालों की कोई इज्जत ही नहीं करता यार, तो बोल तेरी मां की साले। हाँ ऐसे बेइज्जत करने की, अबे निकल यहाँ से, ये मीटअप से पहले ही आ गए हैं भाई, हॉस्टल भाग के आए हैं ये। भाई बैंगलोर में तो ट्रैफिक बहुत घटिया भाई, अभी वो यहाँ से 10 मिनट दूर गई थी शिवानी और उसको 1 घंटा लग गया अभी तक अपनी मासी घर नहीं पहुँची। 1 घंटा लग गया, वो कह दिया मैं कब आऊँगी कैसे जाऊँगी, महंगा तो नहीं बोल पाएगा। आता ही आता है, कह रहे पूरा कारोबार लिखा है। ओ भाई ये तो बढ़िया लिखा है। मम्मी से चुरा ली ला दे तो। ओ यार ये तो बास्केट भी बड़ी क्यूट लग रही है, सही है ये। अभी उठाई हुई तो नहीं कि अभी नॉर्मल है? हाँ ऊपर। अच्छा जब बंद करते हैं तो फिर नीचे जाती है? अच्छा ऐसे भी हो जाती है, स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी नीचे जा रही है। हाँ नीचे जा रही है, फिर ऊपर जाएगी, आगे से ऊपर जाएगी, पूरी उठ जाती है। सही है यार, मैं भी ये सोच रहा हूँ ये ले लूँ भाई, बढ़िया गाड़ी है। कौन सा वाला मंगाते हैं? ठंडा भी है? नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आ जा। फ्रीजर भी है इसमें? तो पूरा टाइम चलते रहता है, दिखा फ्रीजर दिखा। ये रैप बाद में कराई है? ये आधा मैट कराया है। हाँ पूरा फ्रीजर है।
नहीं तो ये तूने लगवाया कि पहले सीधा? ये था इसके अंदर। ओ यार ठंडा देना फिर, पूरी बर्फ जम जाती है। हैं? हां। वाह सही है, बट इसका छोटा है, रैम का तो इतना बड़ा है, भैंसा आ जाता है। आप अपनी गाड़ी दिखा दो ना। मेरी गाड़ी तो मैं तो दिखता हूँ, तुम ही देख सकते हो। मैं तो ऐसा पैपर आगे तुम भी डिजाइन किया। इनका हेलमेट लगा रहा था मैंने, कोई सा मारेंगे। कहाँ नीचे ले गया मेरा भी अर्पित ही है। बहुत कुछ है मेरे को तो पता हुआ अभी। पेंजियो और वो जो कर रहे थे किया मंगलम हो गया और मंगलम यहां पे तो क्लब्स पब्स और क्लब्स हैं। रीता ने भी वही बोला था, एक भी तो कर सकते हैं 1:30 बजे किया मंगलम उधर से रास्ते बात है, ये तो पास में ही है, और मंगलम तो बहुत पास में है। चर्च स्ट्रीट है ना, चर्च स्ट्रीट पे। अच्छा चर्च स्ट्रीट पे पेंजियो। और यहां पे ये बहुत फील हो जाएगा कि यहां से ये मत निकालना आप, ये मत निकालना। उसके बाद सारे जितने मीटर पे ना सबको खिलाएंगे। अब मेरा आउटलेट मान्यता में हो गया है, बहुत दूर हैवी ट्रैफिक नहीं भी होगा तो भी बहुत टाइम है यार। मैं तो पहले पागल हो जाएगा, 5 किलोमीटर को 5 मिनट लगता है, यहाँ 5 किलोमीटर को आधा घंटा। अभी तो नहीं पहुंची है, कब निकली थी? अभी देखा था मैंने, नेवर कंप्लेनिंग अबाउट मुंबई ट्रैफिक अगेन। 3:30 बजे निकली है, 4:30 बजे के करीब निकली। 1 घंटा लग गया उसको 3 किलोमीटर जाने में। हां हां, बेकार टाइम है, बहुत टाइम है। तो वो अगर 6 बजे निकली तो ये नेक्स्ट गैराज में कोई कह रहे थे वो लेके फरन करो बार-बार जो है कौन लेके आ रहा है। बट दोनों कितने सही लग रहे हैं, वो पड़ती बहुत सस्ती है। जैसे ये अगर मैं लूं वहां पे देखो मिल जाएगी 70 लाख में, बट ये है कि तुमने लेते हो तुम यहाँ पे लोन पे लेते हो, बड़ी सारी गाड़ियाँ कैश पे लेनी पड़ती है तो लिक्विड चला जाता है फालतू में। सुमित की बातों में कहो तो म्यूचुअल फंड सही है, तो भाई इतने बड़े तो तू म्यूचुअल फंड में लगा ले और यहाँ पे लोन पे ले ले तो तेरे उठने की गाड़ी तो फ्री में आ जाएगी। राइट है, एडवाइस तो अच्छी है, सही भी है। अगर 1 करोड़ रुपए लगा दिया और उस पे 12% का रिटर्न आ रहा है और तुमने 5 साल की एमएलए भी है, तुमने 1 करोड़ रुपए का लगा, 12 लाख तो मिल ही रहा है, 50,000 ये तो डेप्रिसिएशन एसेट है, तो तुम्हारी ईएमआई निकल जाएगी उससे, तुम फ्री में गाड़ी चला सकते हो। ये तो डेप्रिसिएट एसेट है, दो बार चलेंगे आज पार्टी करेंगे। बहुत लोग आते फिर नहीं होती पार्टी, चलो ठीक है वहाँ भी पकड़ लेते करके वहाँ देख लेते नहीं पीछे पीछे नहीं मैं वहाँ देखा मुर्डेश्वर में आप 3 दिन बाद स्टोरी लेकिन आप जिस दिन गोवा रीच हुए उस दिन फिर मैंने कॉलेज में बात किया मेरे को अगले दिन घर जाना है फिर उन्होंने अप्रूव कर दिया फिर मैं निकल तक आप उस दिन मेरे को लगा आप 2-3 दिन तो रुकोगे गोवा में करके तो फिर हो ही जाएगा। मैं डीएम लगा लगा आपको भी किया इनको भी कर दिया। गोवा पहुंचा था 16 तारीख 17 को इवेंट था वहाँ पे 17 को पहुंचा था 17 से हम 20 या 22 19 को मैं आया था तो 19 को आया तो 20 तक हम थे 20 से निकले तो 4 दिन नेटवर्क्स नहीं रहे हमारे पास एक्चुअली जीरो नेटवर्क था। बारिश अभी भी वहाँ पे चल रहे हैं। मैंने आपको ये कह रहा याद है कमेंट सेक्शन में लिखा था वो द ब्रोकन ब्रिज वो मैं वहाँ से आपने रिप्लाई किया तो उसे योर विलेजेस सो डिफरेंट कर अच्छा अच्छा वो देना अच्छा मैं समझ गया दिस इज माय विलेज जो मैंने बीच का डाला था वो ड्रोन शॉट किया था मैंने
वहाँ पकड़ने वाले थे, मैं कहता यहाँ भी कुछ नहीं होगा। मैं 5 साल से कर रहा था भाई, मैं 5 साल से ट्रैक कर रहा था। मेरा तो बहुत उन्होंने फेस टाइम किया उनको, तो मैंने कहा अरे यार ये तो क्या ही हो रहा है। पहले मैं केरल में था, कोवलम बीच, वहाँ से मैं गया भाई, आप निकल गए। फिर मैं दिल्ली में, मैं मेरठ से हूँ, दिल्ली में गेड़ी मारता था भाई। आप क्या किसी और के साथ? हाँ एकदम बढ़िया। जिनके पास नहीं होगा वो गाली बकेंगे। एयरपोर्ट के पास से चल चलते हैं, दूर पड़ेगा, पहले उतारो। कितना दूर है? कम से कम 20 इधर से, बहुत दूर पड़ेगा। सबसे पास कितना दूर है? इसकी है ना 7 रिवर से, सबसे पास से 20 है। इधर से किस में है ना 20 है, तो फिर 2 घंटा। 2 घंटा एक से ज्यादा है ये ब्रो, ये इधर गाड़ी में बियर पड़ी है, ले लो मेरे लिए। मैं आज पूरी बियर अपनी लाया था, यही पी लेंगे। 2 घंटा जाम में नहीं लगेगा। आपका वेस्पा है ना, तो कह रहा हूँ गाड़ी खड़ी करो। वैसे अभी ये रॉन्ग में जाना था भाई, सारा ट्रैफिक आ रहा है, ये डोमिनोज के पीछे पीछे रॉन्ग में। बेस्ट है टू व्हीलर, टू व्हीलर बढ़िया है। इधर ही है 7 रिवर से, ग्रीनरी है ताज में, ठीक है 7 रिवर यही है, इधर ही है वापस में। तो वही देखो यार, लोग ज्यादा ना है बस, उसका डर है। आपको कितने लोग ने डीएम किया? इनसे बात कर रहा हूँ यार, बहुत मेरा एक्चुअली नंबर कनेक्टेड है ना इंस्टाग्राम से। नंबर क्यों कनेक्टेड किया? अरे वो पहले का हो रखा था, कंटिन्यूस फोन आया मेरे को, कंटिन्यूस मतलब। फिर एक तरफ मैंने अपने नहीं करा, छोटा मीटा बताता था, मैं ग्रुप बनाया था कि चलिए आप बात कर लेंगे। पहले तो बढ़ता बढ़ता सब बढ़ता बढ़ता था, उसमें ऐड होते रहते, फिर चाची की शादी की दुआ में आती होती। मैं सोच रहा हूँ मीटअप को 6 महीने हो गए, लोग अभी भी ऐड हो जा रहे हैं ग्रुप में। अच्छा चंडीगढ़ अंकुर था, अंकुर वहाँ पे अंकुर द ब्लॉगर था, वो उसको अपने वहाँ क्या हो कैप्टन बनाया, मॉनिटर बनाया हुआ था, मॉनिटर बनाया हुआ था, मॉनिटर बनाया था। अरे एक को मॉनिटर बना देना कि अब तू इनको संभाल। कुछ बड़ी कांड हुए भाई, किसी ने मेरा डिस्कॉर्ड चैनल बुलाया था, वहाँ पे लड़ाई हो गई। डिस्कॉर्ड पे था, डिस्कॉर्ड पे ना लड़ाई हो गई थी, किसी ने कुछ बोल दिया किसी को, किसी ने कुछ कर दिया, फिर ये मेंबर्स आ गया। तो देख रहा मैं यार, और पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। यूट्यूब पे अब आते ब्लॉग्स पे चल जाते हैं, उस पे भी भाई लोगों ने सीन कर दिया था। रोस्ट भी बहुत क्रेजी ब्लॉग्स आ रहे हैं, वो तो पूरा अनसेंसर्ड है, वो तो हां तो बहुत क्रेजी ब्लॉग है। उसमें डेवलपर तू तो शेफ है, तेरा बिजनेस है। हां तो पीडब्ल्यूसी क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी फिर भी इज्जत तो वैसे कोई नहीं करता, चारों कंपनी में पप्पू बना के रखते हैं, सुबह जाता था और रात को आता था, बट हाँ पैसे का बढ़ता रहता है। वैसे मेरे को याद है सुबह ने 18,000 रुपये पे स्टार्ट किया था, एम कॉम्पिटिशन आ जाएगी 18,000 रुपीज़ में, एक और इंटर में जाता था, चप्पलों में जाता है। फिर वो पीडब्ल्यूसी नहीं, फिर वो केपीएमजी में था, केपीएमजी वो तो कॉमर्स लाइन किया था, केपीएमजी में उसने ग्रो किया बहुत। फिर वो डिलॉयट में गया बॉम्बे में, फिर वो आया दुबई, फिर चेंज करता
मैं जैसे हायर करता हूँ, मैं देखता हूँ MBA अगर फाइनल तो पढ़ते ही है, कुछ स्टार्ट उसी पे होता है। और भाई कैसे हो? दो कमेंट कर रहे इतने में इतना ही मिल गया कि ड्रोन वाले शॉट से ले गए थे कि भैया ये ड्रोन की जगह लाइव फोटो भी डाल दिया। वो अटक गया था, मतलब क्या हुआ, डीजे का पंगा था क्या था, बट इस बार ड्रोन शॉट मेरे अंदर आ गया। वो फर्स्ट तीन चार दिन वाले ब्लॉग्स तो मतलब पहला दो तीन दिन आपके टीम लिया मैंने एकदम, कल तो बहुत अच्छा शॉट था वो, 1080p वाला था ना वो, मैं लेते लेते चिल्ला रहा था। हां थोड़ा लाइट में उससे उस साफ करा दे, डीप में गद्दी है, गद्दी कवन बाग में, इट्स गुड वेरी सही है, कवन बाग में तो सोच लिया था कि एक बार बैड बॉय से ही मिलवा देना। टायर पे टायर भी नहीं है, ये तो गाड़ी के लिए आया, मैंने तो गाड़ी की वीडियो बनाई, वो जो ऑफिस से छुट्टी लेके आया हूँ, फिर मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आ रहा हूँ। दो तारीख लिखा था पहले, शिफ्ट नहीं, अबे दो तारीख तो अच्छा पहुंच ही नहीं पाया, आज मेरा वीक ऑफ, ये कह रहा मैं बस मेरा ठीक हुआ, मेरा कैसा लग रहा है बेंगलुरु में, ये बहुत सही है यार, मतलब पॉन्डिचेरी से यहाँ पे आने में मतलब शिमला मना वो हो गया, गोवा तो यहाँ पे भाई अभी पॉन्डिचेरी में 42 degrees हो रहा था और हम यहाँ पे आते आते ऐसे बिजली कड़क रही थी, खतरनाक गर्म बहुत गर्म था भाई, बहुत गर्म भाई, कैसे बढ़िया। वैसे तो रिसेप्शन में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था भाई साइड, मैं तेरे को बोलूंगा चिल्ला गांव से ऐसे करना, दो घंटे लगते हैं, वही लगे भाई, हम भी जाते हैं द्वारका से नोएडा, लड़की भी रात को फोन करे ना, हाँ गुड़गांव आ जाओ। अरे वो ऐसा है कि जैसे द्वारका से कोई आपको बोल रहा है कि जमुनापार आ जाओ, नहीं जा रहे भाई, टाइम लगता है भाई, नोएडा से गुड़गांव अगर तुम 6 बजे चले जाए तो तुम पहुंचोगे 8:30-9 बजे, सेम टाइम ये तो अलग है, लोग फिर भी ठीक होंगे ना, ऐसे ऐसे नहीं करते होंगे, ऐसे ऐसे आप इंडिया की सिटी है, इंडिया के हेल्थ भी है ना, यहाँ पे BMTC ऐसे से गाड़ी ठोक के चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, लोग नहीं करते, ऑटो वाले करते हैं, ठोक के चले जाएगी गाड़ी की गाली, BMTC छुआ देगी क्योंकि मैं हूँ, रुक पे कौन है तू, वहाँ चले गए हम, फुल हो गया लेकिन वो रिक्शा भी ठीक है, 15-20 मिनट, 20 मिनट इंग्लिश में बात कर सकते हैं आप उनसे, MIT से हैं।
नोएडा मिट्टी वाले हैं सर। क्योंकि अभी मैं गाड़ी में ऐसे रुका तो दो ऑटो थे, तो मैंने उसको बोला भैया तो मैंने ये तो पढ़ा लिखा लग रहा है ऑटो इसी का ही है कि किसी और का। दो मिनट मैंने सोचा फिर वो आ गया, मैं कह रहा वेयर, तो हमने बताया यहाँ पे ऑटो वालों के साथ इंग्लिश में बात करना पड़ता है। बारिश पानी के बारिश मजे लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, फ्री का हो जाओ। चाचा का लड़का भी वही करने आ रखा हो, कपड़े चाचा भी करने आ रहा है। अरे वो हॉर्स कास है अपना, ऐसा लग रहा है। भाई याद ही मेरे को वो लड़की सेम महीने से डांट याद आ रही है, सेम महीने से नहीं आता हूं। बोले कबन यू बोल पता नहीं उसने कर दिया, दो कबन पार गए अलग ही वो अलग ही से पहले कौन थी दो कबन दो एंट्री आई शो यू एंट्री दो एंट्री पास हो गया नहीं नहीं ये मान जाओ एंट्रेंस अलग होगी ना, एंट्रेंस बहुत बड़ा है, चार पांच गेट है, चार पांच इट्स प्रीटी बिग एंड पार्किंग तो एक ही जगह होगी है, पार्किंग पार्किंग दो जगह है नहीं, जो जो एक एक स्पॉट है ना वहां पर उस जगह पूरा वो लेन पार्किंग का है हाई कोर्ट की तरफ वाला। और ये बेस्ट है यार, यहां पे देखो मस्त देखो सुबह उसी टाइम मेरी दो बात आई थी आपने बताया था कि आपको इंजीनियरिंग में बैक आई थी, हंड्रेड के पे आपका एक पूरा लाइफ स्टोरी का वीडियो आया था ना, बहुत बड़ा 40-50 उसमें आपने पूरा इंजीनियरिंग को बताया कि आपकी बैक आई थी, मेरी बैक आई थी वो टाइम पे, मेरी दो बैक आई थी, छह थी मेरी मेरी 12 थी। अभी सब्जेक्ट कितने थे? अबे नौकरी होती क्या है? हाँ जैसे पता होता था पापा का जाते हैं जॉब पे, इतना पता था सुबह जाते शाम को आते, अब करते क्या हो ये पता ही नहीं। जब मैं पहली बार इंटर्नशिप गया मैं बैठा हुआ कॉफी बना रहा हूँ, फिर जिसने हायर किया मैं करना क्या है, फिर एक काम करो लिंक्डइन पे जाओ और लोगों को ऐसे मैसेज भेजो, मैं यही बस यही काम है इतना सा लोगों, फिर पता लगा भाई थोड़ा और दबाव भी लगाना पड़ता है, फिर धीरे 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 सब हो जाए। अच्छा बजा आए कैसे हो? गैंग बैंग कैसे हो? बढ़िया भैया।
ये गैंग में कैसे आए तुम? कॉल से लेके आए हो? अच्छा बैग लेके आए अपने? नहीं नहीं सामान लेके आ गए हम। अभी यहां पे कॉलेज ज्यादा करते हैं, मैं बताया नहीं हूं। अबे मतलब करते तो दूर बार वैली पहली बार ऐसा है कि हम पहले आ गए हैं, नहीं तो मैं भी बाद में आ गया था, पर ये अच्छा धीरे धीरे लोग आ गए। हाँ टिकट काउंटर है, 100 रुपये। इसने गाड़ी देख ली और ये आ गया, तो इसको पता था। मैं ठीक है तू किसी को बताइए, याद आ गया। फिर मैंने मीटअप क्या किया, जैसे अभी यहाँ रह रहा हूँ, हम एयरबीएनबी रहते हैं, उसके पीछे पार्क था, गार्डन सा था, और तीन चार बंदे दारू की बोतल लाए। मैंने कहा ये खोल दो, दारू की बोतलें खोली, फिर कहते चलो गेड़ी मारने चले, गेड़ी रोड है यहाँ पे। मैंने कहा चलो गेड़ी रोड मारने जाते हैं। फिर ऐसे 5-10 गाड़ियाँ सब बैठे हैं उसमें और गेड़ी मार रहे हैं। डाल दो इसके बाद एंट्री फीस लगेगी वापस से। After 5:10, the refreshments are on you. कबन, अबे यार ये बोलते क्या? कबन पार्क, कबन पार्क, कबन पार्क, कबन पार्क। ये ज़्यादा बेटर है, कबन पार्क बहुत अंदर पड़ता है ना, मतलब चल के अंदर तक जाना पड़ता है। चलो ये ठीक है। दो भी है ना तो फिर। दो तो इसके लिए। और सब मज़ा में? मज़ा में? सारे मज़ा में। गरबा काट हो गया। मज़ा में ही तो। 10 से 10, 10-9. अभी मैंने तो गिव अवे करने वाला था, मैं लगा लाइन में, मेरा 5,000 में आ रहा था। मैंने कहा चल ठीक है, मुझे 4 मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। इंडिया में देखने का मजा अलग होगा, सिंगापुर में भी मजा नहीं आएगा। कब आया और कब गया पता नहीं चला। आपने चलने तो चलो, हमारे पास 2 टिकट एक्स्ट्रा है। बॉम्बे वाला हाँ, 21st का है। बॉम्बे में कितने हैं? बॉम्बे में 300 है ना, 300 कर दिया ना, ये बढ़ा दिया। बैंड रिटायर हो रहा है, इंडिया के बाद रिटायर हो रहे हैं। स्ट्रेट फ्रॉम हरियाणा। ओके हरियाणा से मैं ला के रखता हूं ना यहां पे स्टॉक, जब आते सब लेके आते। हां ये भी सही है, यहां वाले को महंगी मिलती है ना, यहां पे महंगी पड़ती है। लगा लो यार, सबको लगा लेते थोड़ा। ये सब मैं ग्लास और स्प्राइट भी लाया हूं। अबे ये सब मत डालना, अबे यहां पे हिंदी नहीं समझता है। हां और मैं नहीं समझता है, सब समझता करोगे ना, समझते सारे हैं, समझता सब है। चूना लगा देंगे पर बोलते नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आता सबको है, करता कोई नहीं है। केरला में आप गए हो ना? नहीं नहीं भैया, हमारे साथ किसी ने नहीं गया। मैं फोटो लेने में उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने वापस। हां हां क्या हो गया भाई, किडनी नहीं थे मेरा, वो अबे वो काले किडनी आगे मेरे चुत इधर आओ, काले मेरे चुती है, जा के मुझे पीछे पहले ले चल रहा है हॉस्पिटल लेगा ना यार भाई, प्लीज थोड़ा। iPhone 16 आया ना तो किडनी लेने के लिए लेना पड़ेगा, बेकार है साला। अरे थंबनेल भी दे रहे हैं उसको, ठीक है। आपकी स्टोरी पे भी एक बार डाल देना,
दो क्यूबॉन पार्क है बीच से टुकड़े टुकड़े कमैरो वाली आती है वहाँ पे 8 लाख रुपए की, वो लाके यहाँ पे दुआ की भाई जिसकी जिसको चलाने चला जीएमसी वो आप वही चलाते हो? मैं तो वहाँ जाके अपनी गाड़ी चलाता हूँ। एमजी के बाद कौन सी है? इतना दूर से ही लाएंगे? इतना दूर से क्यों आ रहे हैं? दूर से आया हूँ, दूर से आया हूँ। ट्रैफिक क्यों बड़ा है? ट्रैफिक क्यों ऐसे बड़ा है? ट्रैफिक की वजह से क्या चल रहा है पार्टी? आप तो कल आने वाले थे ना, कल ड्राई डे था। अच्छा कल मत गया आप? मैंने लिखा था भैया कल मत आओ, ड्राई डे है। सब लिखा, आप कितने मैसेज कर रहे हैं, आप एक भी नहीं देखते। अच्छा ड्राई डे में नहीं है आप? अच्छा वो ड्राई डे में नहीं है आप? कल हम भी गए थे यहाँ, कल कहाँ थे? पांडिचेरी। पांडिचेरी पता है भीड़ भाड़ में ऐसे इधर में
आधे लोग मेरे पास आ गए, आधे लोग गाड़ी जैसी पास आ गए, दूसरे में बाहर से पुलिस आई, चलो भागो 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 भागो, हम होटल भागे अंदर, होटल के बाहर भी बैठे थे आप लोग रात को, तीन चार लोग मिले थे बाहर, उनसे मिले बस पीछे वाले लोगों को भी अंदर आने दे सारे देख रहे उसको वैसे पता चल जाएगा नहीं वो हट गया अभी भैया ने बोला ना टेस्ट बढ़िया चलो भैया कांग्रेस ने अपना काम करके अभी खत्म करो, कहते बाद में अपडेट डालूंगा, रुको ये क्या किया रिमोट के साथ फोटो कॉल खींचा था बट मेरे पास एक ही चीज थी यहाँ पे, आप बैंगलोर में आके आपको कल्चर से जुड़े रहने के लिए सब कुछ रहना है, तो मैं सोचा कि यही ला सकता हूँ, तो रेड और ग्रीन भी तो होता है, ग्रीन भी होती है, मल्टी कलर भी होती है, बट पड़ी रेड थी अभी, तो मैं बस अभी ऑफिस भी कुछ नहीं किया, बस आउट करके भाग के आया हूँ, बैग बस रखा है ये सो देट मैं दे दूँ, और ये कुछ यहाँ पे बहुत कुछ ला सकते थे बट रसमलाई और वो है यहाँ पे मैसूर पाक, मैसूर पाक बहुत फेमस है यहाँ पे, और रसमलाई तो काफी स्वीट है, क्योंकि लेस स्वीट है, आप डाइटिंग करते हैं, हाँ तो मैंने इसलिए पूछा था, आप कह रहे आ जाओ तू छोड़ जल्दी आ जल्दी लड़ाई का जमाना नहीं है ना, आप ऊपर खड़े रहो ना फिर जिसमें तुम ट्रैवल करते हो हर बार, क्या बस ट्रेन नहीं फ्लाइट, फ्लाइट में तो सारे फ्री टिकट भाई हम बनाते, इसको मेरे डायलॉग भी याद है, मुझे याद है सब, इनका रूल है कि हर जाओ हर स्टेट में ना पहले तो एक अपना दोस्त होना चाहिए, छोटा नहीं बड़ा दोस्त होना चाहिए, बड़े बनाओ साथ में, उनका रूल था कि अपने दोस्तों के साथ ही बड़े होने, और सबसे ज्यादा ठेके वाले दोस्त, ये दारू ले गया अभी दोस्त बन जाएगा, और दिल्ली का ले गया तो निकलेगा नहीं, मम्मी को जब लगेगा तब उसको बोलना, मम्मी के काम आएगा तुम्हारे नहीं, मैं समझ लॉस भी हो रहा है, स्टूडियो का क्या क्या कर सकते हैं, किस पे हम वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, सब लोग वही कर रहे हैं, कि मेरे को बकबक करनी पड़ेगी, और मैं जब वो देखता हूँ मैं कहता हूँ मेरे पास इतनी क्रेजी स्टोरीज है, और मैं अभी बहुत शाय हूँ कि मैं ऐसे बना लेता, अगर मैं बनाने लग गया नहीं आप डालते हो सब्सक्रिप्शन में, नहीं हां मैं सब्सक्रिप्शन बनाऊं अभी ज्यादा हंस रहे हैं, पता है मुझे कहानी तो है वो उसमें भी लिमिटेड ही आती है, क्योंकि ज्यादा कंटेंट होता है ना तो हम डालते नहीं, सब कट कट कटवा देता हूं, कट होता है सारा, मेन वाले के लिए हटता है उस पे नहीं, पहले तो बहुत मतलब बीच में तो बहुत बकचोदी हो गई थी, मतलब आपको नोटिफिकेशन खुला है क्योंकि बाद में कट जाता है ना, क्योंकि मैं कह रहा था जैसे कोई तुम लोग आए ठीक है, अब कल अभी जैसे एक एग्जांपल दे दो, अगर यहाँ पे अभी कोई कपल आता ठीक है, वो कहता मुझे ब्लॉग मत दो, मैंने उन्हीं को ले लिया, और उससे किसी चाचा पड़ोस को देख लिया, फिर उनकी लग जाएगी क्लास, फिर वो मेरे को मैसेज करेंगे, आएगी फिर ब्लॉग में, फिर वो मेरे
टीम के पास जाएगा, फिर वो कटेगा, फिर वो जाएगा, तो वो ऐसे कटता है। नहीं, जो नहीं चाहता उसका भी कटता है। यार मैं यहाँ पे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। नीचे आ भैया, बारिश हो जाएगी, दो मिनट में पता भी नहीं चलेगा। आज हो नहीं सकते, वो टाइमिंग के हिसाब से अभी शिवरिंग है। अरे वाली लेक पहुंच जाएगी आराम से। दो घंटे लग जाएंगे, उससे ज्यादा क्या लगेगा? दो घंटे। अरे जब मैं आया था यहाँ पे, हमारा ड्राइवर था, हम तो ऐसे अटक गए थे। मुझे याद है किसी ने मेरे को गाड़ी से पहचान के वो आ गया था, और हम अपना मीटअप कर रहे वहाँ पे, मुझे गाड़ी में बैठ गए। तम तम काय तर थम दोन मिनट फॉलो करना है सेंटर पर। फट के 74 हो जाती भाई, बंदा बंदे के ऊपर है। अरे इतने चीजें हो जाएंगे, लेफ्ट मोड़ो तो स्टार्ट में फिर मैं राइट मोड़ो तो भाई वो कुछ और बेच रहा है, फिर कुछ और है, फिर मतलब चलता रहता है। मेरी गर्लफ्रेंड से बात करो, मेरे ये चलो है, तो मेरे दिमाग है घूम जाता एकदम कि भाई क्या देखूँ मैं, इधर देखूँ उधर देखूँ, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई मैं सब सुन रहा हूँ, सब ठीक है। तो भाई पुचौतर हो जाती है, लॉस्ट हो गया। बड़ा अच्छा लगता है, लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे यहाँ तीन चार लोग मुझे बढ़िया लगे, बाहर में पॉइंट करके देखो कौन है, फोटो डालने से पता लग जाए। मैं समय रहना की तरह की बोल रहा हूँ। अरे अरे एनर्जी एनर्जी, हमको कब लेके जाओगे? अब तो बुक कर लो ना, जब मैं वो करता हूँ तो सब बोलते हैं। चलो अभी यहाँ किसी यहाँ के लिए मैं अभी ग्रुप बना देता हूँ, डालो 1000 रुपए पेटीएम, ठीक है? तो उससे क्या अभी बुकिंग अभी की या लद्दाख वाली, चल कौन से वाले के लिए जोड़ रहे हैं? इनमें से 20 लोग उठा ले जिनको चल रहे हैं, स्थिति में लेके चलना। मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। विंटर स्थिति जनवरी कर लो, 7-14, ठीक है? हां ठीक है, डन डन डन। 26 जनवरी डालो, चलो छुट्टी मिल जाएगी। करते ही है यंग ना, बांगड़े तो है ना इधर। टोकन ले लो, टोकन ले लो, टोकन ले लो, टोकन ले लो। अरे भैया वो कोल्ड प्ले का है, कोल्ड प्ले का है। जनवरी 16-17-18 फिर तो तुम लोगों को पार्टी देनी चाहिए। क्या हेलो गाइस, ओए दो 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 ऐसा मीटअप कोई नहीं कराता होगा। चलो बैंगलोर मीटअप, गुड डे टू अस। अबे यहाँ से भी भगा देंगे सालो। लोग ने भगा दिया, फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे आते हैं, पता था वहाँ पे आई थिंक 50-100 लोग होंगे, फिर वहाँ से कम हो गया, अब यहाँ पे हम आई थिंक 30 लोग आ गए हैं। दो मजा हो गया, चल 30 लोगों तो बियर पिलाई सकता हूँ। 100 लोगों का मुश्किल है, 30 लोगों तो पिलाई सकते हैं। ओए ओए ये हाँ हाँ हाँ, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो गए तो आज लास्ट डे, तो वैसे भी लेट ही आता है, पता नहीं चलेगा। हाँ वही तो मैंने बोला, कल नवरात्रि कल से मत पीना। अभी कंफ्यूज हो रहे थे, लागर थी और इनका वो थी, अभी टावर होना चाहिए भाई, जीत के वहाँ पे जाते हैं टावर आता है बस, उसके बाद सब जिसको जितनी चीजें डालते रहते हैं और बाकी जितनी ब्रेवरीज हैं वहाँ सब पे आते हैं। जब मैं पहली बार आया था तब भी यहीं पे आया था इसी जगह पे, और हाँ हाँ इधर आया, और इन्होंने छोटे छोटे ग्लास में टेस्ट कराई थी सारी, बहुत सारी टेस्टर तो रहता है।
हाँ यहाँ पे पैसे आप पैसे लेते पैसे लेते हैं हाँ ज्यादा ही है। चलो एनी वेज गाइज अब इसके बाद भाई फोन बंद कर देना और पार्टी कर इसके बाद तो आप ही स्विच करोगे। आपके बंद जो होती है ना फिर वो कंटेंट सब्सक्रिप्शन में ढलता है। हाँ यहाँ से बंद होगा फिर वहाँ जाएगा। ये पैसे भी तो कमाने हैं समझ रहे हो पर ऐसा कोई खर्च नहीं आता इधर के पैसे निकालते हैं। हाँ इधर के पैसे निकालते हैं। भाई इतने लोग आए थे स्टार्टिंग में 4 बजे में आ गया था आज मैं टाइम से पहले आ गया था तो थोड़े से लोग थे सिर्फ। भाई इधर से यू लेफ्ट ही लेना इधर से। So guys, हम जा रहे हैं गेड़ी मारने चर्च गेट चर्च स्ट्रीट ये है चर्च गेट आ गए हम बैंगलोर के चर्च स्ट्रीट दो मदा। तो भाई ये देखो बढ़िया हार्ड रॉक कैफे डुप्लीकेट सीपी वो लेके भाग गया उसका उसका लेके भाग गया भाई राइट राइट है राइट उसका लेके भाग गया सो बैड। हाँ इस गरीब का लेके भाग गया